निजी तौर पर भी बहुत भावुक क्षण है। और जिस दिल्ली के अंदर जो देश की राजधानी है, इसकी सड़कों पर जब सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 3000 से अधिक लोगों को जिंदा जला दिया गया था, तो दिल्ली की विधानसभा ने कभी इस पर चर्चा नहीं की। कोरोना वायरस करके जिथे आए दिन हजारां लोकां दी मौत हो रही है, इसे दे दरमियान देश दे नामी सिख पत्रकार हक सच दी गल करन वाले, देश दी हकूमत दे मूंह दे उत्ते जुत्ती सुटन वाले, दिल्ली तो आम आदमी पार्टी दे आगू सरदार जरनैल सिंह दी भी कोरोना वायरस दा करके मौत हो चुकी है। अज सवेरे ही उन्हां दी मौत दी खबर आई कि उन्होंने सह लैन के काफ़ी दिक्कत आ रही थी। पिछले कुछ दिनों तो तबीयत बहुत ज़्यादा खराब सी, दिल्ली के एक हस्पताल के इलाज चल रहा सी, अते इलाज के दौरान ही करीब 50 साल की उम्र के अज उन्हों का देहांत हो गया है। उन्हों की मौत की खबर सुन के चारे पासे सोग की लहर जरूर छाई हुई है। सिख पंथ की सिख कौम की गल करन वाले दिल्ली के राजौरी गार्डन तो साबका विधायक रह चुके सरदार जरनैल सिंह की मौत को जिथे एक पासे सिख जगत के वास्ते सिख पंथ के वास्ते वड्डा घाटा दसिया जा रहा है, उत्थे ही वख वख लोकां दे वल्लों ट्वीट करके किसी ना किसी तरह उन्हां दी मौत दे उत्ते गहरा दुख प्रगटाया जा रहा है। एक सियासतदान तो बिना उन्हां दा जिंदगी सफर किवें रहा है, सिख कौम नूं उन्हां दी की देन रही है, हकूमत के मूँह के उत्ते जुत्ती मारन की गल अते नामी सिख पत्रकार उन्होंने जिंदगी दे नाल जुड़िया अहम घटनावां दे बारे तुहानू दसांगे। 84 दे दंगियां दी की वारदात रही है। सब तो पहला दस दिने हाँ कि सरदार जरनैल सिंह कोरोना वायरस करके उन्होंने मौत हो गई, सब जानते हैं, पर शायद उन्होंने अखीरले पल अखीरले दिन कुछ ज़्यादा वधिया नहीं लंघे। उन्होंने भी सोशल मीडिया के जरिए लोगों तो ऑक्सीजन की वेंटीलेटर बैड की सहायता जरूर मंगी सी। इस तो बिना उन्होंने अखीरला ट्वीट रहा है जिदे विच उन्होंने लोगों को कहा सी कि ਉਹ ਵੀ ਹੋਰਨਾਂ ਵਾਂਗ ਸਰੀਰਕ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੰਡਾਇਆ ਅਤੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਆਈ ਐਕਿਊਜ਼ ਦ ਐਂਟੀ ਸਿੱਖ ਵਾਇਲੈਂਸ ਆਫ 1984, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਕੁਛ ਅਜਿਹੇ ਅਣਜਾਣ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਮੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਮਰ ਉਜਾਲਾ, ਦੈਨਿਕ ਜਾਗਰਣ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਜੋਂ 84 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਉਠਾਈ। 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੁੱਤੀ ਮਾਰੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤੀ ਮਾਰੀ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਉਸ ਵੇਲੇ CBI ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੁੱਤੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਵਜੋਂ ਆ ਨੌਕਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਕਰਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੁੱਤੀ ਸੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੁੱਤੀ ਮਾਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਗਲਤ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਸਰਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਨਿਡਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਤੀ ਸੁੱਟੀ ਸੀ।
उस वेले यह दैनिक जागरण के नाल काम कर रहे सी, पत्रकार दे वजो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस दे विच बैठे सी, पर 1984 दे दोषी जगदीश टाइटलर नू CBI दे वल्लों क्लीन चिट दिती गई सी ते इस दे रोस वजो, इस दे विरोध वजो उन्होंने कांग्रेस दे मंत्री पी चिदंबरम वल जो उन्होंने सवाल का जवाब नहीं दिता गया तो उन्होंने मूँह वल जुत्ती सुटी सी, बेशक ये जुत्ती उन्होंने मूँह के उपर नहीं सी लगी। इस तो बाद जदों जरनैल सिंह नू फड़िया गया तां उन्होंने इस बारे दस्या भी कि जुत्ती सुटन दा उन्हां दा पहला कोई इरादा नहीं सी, बेशक उन्हां दा तरीका गलत सी पर उन्हां दा इरादा गलत नहीं सी। किसी भी जर्नलिस्ट नू अजिहा नहीं करना चाहिए पर सिखां दे नाल इह ना इंसाफी है। इस तो बाद 2009 की घटना जो उन्होंने जुत्ती सुटी सी, एदे तो बाद ही वह चर्चा दे विच आए सन, मीडिया दे विच उह सुर्खियां दे विच बन गए सी। इस तो बाद उन्होंने अपनी पत्रकारिता वजो नौकरी छड़ दिती सी ते 1984 दे जो भी दोषी सी उन्हां नू सजावां दिवाउण दे लई अपनी आवाज़ नू लगातार बुलंद करदे रहे, विरोध प्रदर्शन करदे रहे। इस सब तो बिना वह उस वेले भी चर्चा दे विच बने। कुछ समा पहला जदों उन्होंने एक खास एक भाईचारे दे देवी देवत्यां दे खिलाफ टिप्पणी कीती सी अपने ट्विटर अकाउंट दे उपर, उस वेले उन्हां नू आम आदमी पार्टी दी जिहड़ी मुढ़ली मैंबरशिप आ उहदे तों सस्पेंड कर दिता गया सी, मुअत्तल कर दिता सी। भावें कि बाद विच जदों मुद्दा ज़्यादा पक गया तां सरदार जरनैल सिंह दे वल्लों इस ट्वीट नू ट्विटर हैंडल तों डिलीट कर दिता गया सी। नाल ही उन्होंने यह कहा सी कि मैं सारे धर्मां दा सन्मान करदा हाँ अते श्री गुरु तेग बहादुर जी दे सिद्धांतां उत्ते चलण दे विच विश्वास रखदा हाँ। हुण जेकर उन्हां दे सियासी सफर की गल की जाए तो 2014 दे विच आम आदमी पार्टी दे वल्लों उन्होंने पहली बार जिहड़ी लोक सभा चोणां आ उह लड़ियां सी, पर उहदे विच उन्हां नूं हार दा सामना करना पिया। इहदे तों बाद 2015 दे विच उन्हां ने विधान सभा चोणां लड़ियां दिल्ली दे राजौरी गार्डन की सीट तों, उत्थों उन्हां नूं एक शानदार जित हासिल हुई। 2017 तक वो उस सीट के उत्ते उस अहदे उत्ते रहे, विधायक रहे राजौरी गार्डन तो, आते फिर जाके जो पंजाब विधानसभा होनिया सी तो उन्होंने अपने उस अहदे तो अस्तीफा दे दिता ते पंजाब दे विच साबका मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल दे खिलाफ मैदान विच नितरन दे लई उन्होंने यह अस्तीफा दिता सी अते पंजाब दे विच विधानसभा दे दौरान लंबी हलके तो उन्होंने बादलों के खिलाफ चोण लड़ी जिदे विच उन्हां नूं फिर तो हार दा ही सामना करना पिया। जां एवें कह लो कि आम आदमी पार्टी ने पंजाब दे विच अपने पैर जमाउण दे वास्ते सरदार जरनैल सिंह नूं एक सिख चेहरा है जिहड़ा उस नूं पंजाब दे विच इलैक्शनस लड़न दे लई भेजा सी। सरदार जरनैल सिंह दे उदमां सदका ही जदों 2015 दे विच सरदार जरनैल सिंह दे वल्लों दिल्ली विधानसभा विच एक प्रस्ताव पेश किया गया सी, जून 1984 दे जिहड़े दंगे होए उन्हां दे दोषियों के खिलाफ, तां उस प्रस्ताव नूं जदों पास किया गया तां सरकार ने कांग्रेसी आगू जगदीश टाइटलर दे खिलाफ दंगा मामले विच FIR दर्ज करन दे वास्ते भी कहा सी। इस वेले ओह दिल्ली असैम्बली दे विच भावुक हो गए सी, कई बार उन्होंने इस मुद्दे नूं उछालिया, हुण तक ओह लगातार उन्हां दोषियों के खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाउंदे रहे, सिख पंथ दे वास्ते सिख कौम दे लई हक सच दे वास्ते आवाज़ जिहड़ी है उस नूं बुलंद करदे रहे। इस सब तो बाद कुछ समा पहला जदों एक विवाद खड़ा होया तां उन्हां नूं आम आदमी पार्टी दे वल्लों सस्पेंड कर दिता गया। इस तो सब तो बाद अज जदों ओह इस जहान तो रुखसत हो गए ने उन्हां दा देहांत हो चुका है, तां जिथे एक पासे सिख कौम नूं पंथ नूं वड्डा घाटा पिया है, एक आवाज़ निडरता जिहड़ी वाला बंदा या बेबाकी नाल बोलण वाला वो चला गया है, उत्थे ही वख वख मंत्रियों के वलों विधायकों के वलों भी अपने तौर उत्ते पोस्टा पा के ट्वीट करके दुख नूं जाहिर किया जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए सरदार जरनैल सिंह दे मौत बारे लिखा है कि मैं दिल्ली के साबका विधायक जरनैल सिंह के समय तो पहला तुर जाण उत्ते दुखी हाँ, रब उन्हां दी आत्मा नूं शांति बख्शे, समाज विच अपने योगदान लई उन्हां नूं हमेशा वास्ते याद रख्या जाएगा। उन्हां तों बिना केजरीवाल सरकार दे ही मंत्री मनीष सिसोदिया दे वल्लों वी सरदार जरनैल सिंह दी मौत उत्ते गहरा दुख प्रगट करदे होए कहा गया है कि दिल्ली असैम्बली विच उसदे साबका साथी जरनैल सिंह दी मौत दी खबर साढ़े सारयां दे लई दुखदायक है। 1984 दी नसल कुशी दे पीड़ित परिवारां लई इंसाफ दे वास्ते लड़ रही एक उच्ची आवाज़ साडे विचों बाहर चली गई है, परमात्मा उहनां नूं अपने चरणां दे विच जगा देवे।